भाई एक और ऐसी बिरयानी और पुलाव के लिए आज औरंगी टाउन नंबर एक पर आना हुआ है भाई। मेरे पीछे आपको बोर्ड दिख रहा है निजामी पुलाव और बिरयानी वालों का। वैसे तो इनका केटरिंग का भी काम है, लेकिन भाई जिस हिसाब से इनका पुलाव और बिरयानी चल रही है ना, तो बड़ी तारीफ सुनी थी और यही तारीफ आज फिर औरंगी टाउन लेकर आ गई है। पूछते हैं भाई प्राइस वगैरह क्या है और क्या हिसाब से चला रहे हैं। टेस्ट तो लाजमी करेंगे और बताएंगे कि भाई फुल कराची वाली मसालेदार बिरयानी है और पुलाव जो बीफ का है वही रसीला और मजेदार है। तो आ जाए फिर साथ में। सर क्या क्या है अपने पास? पुलाव है, बिरयानी, बच्चे का भी पुलाव है और चिकन बिरयानी है। अच्छा, चिकन बिरयानी होती है और ये दो आइटम अपने चल रहे हैं। वैसे लोगों का क्रेज किस पे है यहाँ पे? दोनों पे माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। क्या रुपए चला रहे हैं प्लेट, क्या हिसाब? चिकन बिरयानी 160 रुपए पाव है और बीफ पुलाव जो हमारा 150 रुपए पाव है। 150 रुपए पाव है, सही है, जबरदस्त हो गया। तो कैसा स्टाइल कैसा होता है बिरयानी का? कराची बिरयानी बिल्कुल कराची स्टाइल है, स्पाइसी स्पाइसी फुल मसाले, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त हो गया। तो क्या टाइमिंग सेट की हुई है आपने निजामी? टाइमिंग जो है हमारी 1 बजे के बाद से रात में 1 से 2 बजे तक की होती है, यानी दोपहर 1 बजे से रात 1-2 बजे तक, 1-2 बजे तक, 3 बजे तक के बैठे होते हैं। हाँ करो लड़के, ऐसे ही रश लगा रहता है। जी जी बिल्कुल जबरदस्त। तो वैसे कोई आने वाला यहाँ पर हो तो ये औरंगी टाउन में किस जगह पे एग्जैक्ट मौजूद है? मेन 1 नंबर पे आया कसाफी चौक पे, किसी भी से भी आ गया आप पता कर लें। अच्छा, बुलाओ निजामी बिरयानी। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो आप ही यहाँ मौजूद होते हैं? मैं होता हूँ, छोटा भाई होता है। अच्छा, और कितना टाइम हो गया अगर मैं पूछूँ तो? यहाँ पे आपको पुलाव को तकरीबन 6 से 7 साल हो गए और बिरयानी को तकरीबन 1 साल हो गया। अच्छा, नहीं वो बिरयानी पे भी लोगों का क्रेज है। बिल्कुल क्रेज है, क्या बात है। यानी ये फिर देखा जाए तो पुलाव आप लोगों का जो है ना? नहीं, दोनों ही है माशाल्लाह, दोनों ही है, दोनों क्रेज है। चले फिर इंशाल्लाह ट्राई करते हैं, लोगों को भी बिल्कुल बिल्कुल खाएं और आप रिव्यू दें आप। क्या बात है, क्या बात है सर जी। वो देखे जी, वो है औरंगी टाउन नंबर 1 का कदाफी चौक और वहीं से आप जब सीधा आएंगे तो आपको दिख जाएगी भाई ये निजामी पुलाव एंड कैटरिंग। यहाँ पर है भाई चिकन बिरयानी और यहाँ पर है भाई बीफ पुलाव। ये देखिए भाई साहब, ये है निजामी की मसालेदार फुल तय वाली बिरयानी। ऐसा ही है दोस्त, फुल तय वाली मजेदार। हाय हाय, क्या यार ये देखें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसी है निजामी का पुलाव और बिरयानी, क्या खाते हैं? निजामी तो जान है हमारे। अच्छा, निजामी जान है, बता पुराने खाने वाले लग रहे हो। जी जी बहुत पुराने। तो क्या ट्राई करते हो, बिरयानी ज्यादा अच्छी होती है पुलाव ज्यादा अच्छा? यार पहले बिरयानी करते हैं फिर उसके बाद पुलाव करेंगे। अच्छा, हर बार का यही है, हर बार का यही है। मसाला और डलवा लिया माशाल्लाह आपने। जी तो फुल कराची स्टाइल की बिरयानी पसंद। तो अच्छा, यहाँ पर औरंगी में और भी बिरयानी पुलाव वगैरह मिलते हैं, यहाँ की क्या खास बात है? यार यहाँ का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट है मतलब बहुत सारी चीजें हैं, टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद मसाले कड़क है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे मजा आ जाता है खा के। बिल्कुल ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, औरंगी टाउन की ये निजामी की भाई पुलाव और बिरयानी दोनों आ चुकी है भाई। पुलाव जो है भाई इनका, इन्होंने बताया कि भाई 6 से 7 साल हो गए ये लगा रहे हैं और बीफ में होता है ये पुलाव, ठीक है। और चिकन बिरयानी भाई चिकन की है और फुल जो देखे भाई मसालेदार कराची स्टाइल की तय और बिरयानी में भाई होता है। तो भाई सबसे पहले शुरू कर लेते हैं भाई बिरयानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले तेज है भाई, अगर मसालों की बात कर ली जाए तो भाई वाकई मसाले जो हैं तेज है। आम जो कमर्शियल बिरयानियाँ मिल रही होती है ना, जो गिने चुने मसालों के साथ तैयार की जाती है, उससे थोड़ी सी ये मुख्तलिफ है। वजह ये कि मसाले अच्छे डले हुए और गर्म हो रही है, तो फिर क्या ही बात है भाई। ये देखें साथ में ये आगे में हमारी लेग की बोटी भी है और एक चेस्ट की भी डाली हुई है, 1/2 किलो का ये थाल है। इस तरह भाई बिरयानी को इन लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज में प्रेजेंटेशन के साथ किया हुआ और लोगों का भाई रश भी है दोपहर में, लेकिन इनका कहना है कि रात के टाइम पे 8-9 जो डिनर का टाइम होता है उसमें ज़्यादा रश होता है। किसी दिन वहाँ भी जब आएंगे तो देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल भाई बिरयानी जो इनकी है ना, नो डाउट यार अच्छी बना रहे हैं। लेकिन बिरयानी को भाई इनसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-2 साल के करीब का टाइम है बिरयानी साहब के। लेकिन पुलाव जो है ना ये भाई, ये और बीच में इसका टेस्ट तो लाजमी बनता है। और साथ में अगर आप देखें तली हुई प्याज भी ये दे देते हैं, हैदराबादी स्टाइल जो है कि तली हुई प्याज पुलाव बिरयानी जो हैदराबाद के स्टाइल है उससे मिलती जुलती जो देते हैं ना, तो ये भाई ये देखें बीच की अगर बोलिए गोश्त देखें आप आराम से, 1/2 किलो का थाल भाई ये भी है हमारा। तो अब ट्राई करते हैं भाई बीफ, बीफ है। बिस्मिल्लाह। गोश्त बड़ा अच्छा डला हुआ यार, गोश्त दिखाऊं मैं जरा, गोश्त बड़ा अच्छा डला हुआ है बिल्कुल यार। एक तो देखें उंगलियों से तोड़ने पे बुल रहा है और पुलाव का जायका यार बड़ा रसीला है, जबरदस्त है। अगर मैं दिखाऊं जरा करीब आए, ये देखें यार चावल देखें, ये सारे सारे मसालों के साथ
पुलाव है यार, नो डाउट बिरयानी अच्छी है, लेकिन पुलाव का लेवल इस बिरयानी से तो बहुत ऊपर है। तो भाई औरंगी टाउन एक नंबर, कदाफी चौक जो है इसी के साथ बिल्कुल आप देखेंगे तो निज़ामी पुलाव एंड बिरयानी कैटरिंग वाले मिल जाएंगे। आते हैं तो यार मेरी रिकमेंडेशन पे पुलाव ज़रूर ट्राई करें। 150 रुपये पाव का हिसाब है, आधा किलो का थाल है ये, 160 पाव है ये, आधा किलो का थाल है। आप आएँ अपने हिसाब से खाएँ, मज़ा आएगा। आवाम भी है, जगह भी सही है बैठने की, खाएँगे मज़ा आ जाएगा। आज के स्पॉट से औरंगी टाउन से इजाज़त लूँगा, मिलेंगे किसी और वीडियो में नए फूड ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।